हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षित। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि हम आपके साथ पंजाब जीके जो है कंप्लीट डिटेल में यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। जो आपको पीसीएस में, जो आपका पीसीएस होना है 2020 में, जिसकी नोटिफिकेशन ऑलरेडी निकल चुकी है, उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो अभी तक हमने कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन देखी पंजाब से रिलेटेड, आगे चलकर अभी और भी इन्फॉर्मेशन देखेंगे। हमने सिखिज़्म का पार्ट वन देखा, जिसमें हमने देखा ओरिजिन ऑफ द वर्ड सिख और गुरु नानक देव जी की अर्ली लाइफ के बारे में हमने उसमें पढ़ा कि कैसे गुरु नानक देव जी का कहाँ पर जन्म हुआ, उनके माता पिता कौन थे और उनकी अर्ली लाइफ कैसी थी, शादी और बच्चों के बारे में देखा। फिर उनको एनलाइटनमेंट के बारे में हमने पढ़ा कि उनको कैसे बेन नदी के किनारे वो 3 दिन के लिए जो है डिसअपियर हो गए और अल्टीमेटली जब वो दोबारा से आए तो वो एनलाइटेंड थे। उसके बाद जो वो 20 साल के लिए उदासीज का जो उन्होंने कंटिन्यूस जो ट्रैवल उन्होंने किया, जो 4 उदासीज जिसको हम कहते हैं वो उन्होंने कंप्लीट की, तो वो सब चीज़ें हम देख चुके हैं। अब ये जो हमारा पार्ट टू रहेगा, इसमें बेसिकली हम क्या डिस्कस करेंगे? पार्ट टू में हम बेसिकली एक तो चीज़ डिस्कस करेंगे करतारपुर और डेरा बाबा नानक जी के बारे में, ठीक है। तो करतारपुर की क्या रेलिवेंस है सिखिज़म में और डेरा बाबा नानक जगह की क्या रेलिवेंस है सिखिज़म में, वो हम देखेंगे। और यहीं से हम रिलेट करेंगे जो भी न्यूज़ में चल रहा था आपका करतारपुर कॉरिडोर, ठीक है। पिछले 5-6 महीने से काफ़ी ज़्यादा ये न्यूज़ में रहा है करतारपुर कॉरिडोर, इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस को लेकर के, तो इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। और हम टीचिंग्स ऑफ गुरु नानक देव जी भी देखेंगे कि गुरु नानक देव जी की क्या टीचिंग्स थी, क्या उन्होंने हमें सीख देनी चाहिए और वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, मैंने आपको पहले ही बताया कि गुरु नानक देव जी उदासी कंप्लीट करने के बाद जब आए तो उन्होंने करतारपुर नाम की एक जगह पर सेटलमेंट उन्होंने कर ली, ठीक है। वहाँ पर अब ये सेटल डाउन हो गए और यहाँ पर ये अपनी फैमिली को भी ले आए थे, अपने बीवी बच्चों सबको ले आए थे। बेसिकली गुरु नानक देव जी ये अब शो करना चाह रहे थे, ये वो दुनिया को संदेश देना चाहते थे कि इंसान जो है उसको सेटल्ड लाइफ ही जीनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप साधु बन के इधर उधर भटकते रहो पूरी ज़िंदगी, एक सेटल्ड लाइफ भी इंसान के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। और यहीं करतारपुर में उन्होंने सेटल डाउन होने के बाद मेनली अपनी टीचिंग्स दी, ठीक है। जब उनकी उदासी कंप्लीट हो गई तो अपने जीवन के 18 साल डेथ से पहले उन्होंने करतारपुर में ही जो है स्पेंड किए, इसीलिए करतारपुर की रेलिवेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और करतारपुर आपका प्रेजेंटली कहाँ पर है? करतारपुर आपका प्रेजेंटली है पाकिस्तान में, ठीक है। तो इसी वजह से करतारपुर की बहुत ज़्यादा रेलिवेंस है, वो भी हम धीरे धीरे अभी टाइम के साथ हमें समझ में आ जाएगी जैसे जैसे हम लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो करतारपुर में गुरु नानक देव जी जो थे इन्होंने क्या प्रीच किया मेनली? ही प्रीच्ड देयर द पाथ ऑफ वर्शिप वर्क एंड शेयर, कि आप भगवान का नाम लीजिए, भगवान के नाम का जप कीजिए, कीर्तन कीजिए, काम कीजिए, जो आपका काम है काम से मत भागिए। ऐसा नहीं है कि आप भगवान का नाम लेने का बहाना बना के आप कुछ काम ही नहीं कर रहे, आप पूरा दिन साधुओं की तरह बैठे हुए हो और आप कुछ काम नहीं कर रहे, बस हरी 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 करे जा रहे हो। तो गुरु नानक देव जी इसके भी फेवर में नहीं थे कि पूरा दिन तुम दिन और शाम तुम कोई काम नहीं कर रहे और सिर्फ हरी 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 करे जा रहे हो, नहीं। आपके लिए काम करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप देखो गुरु नानक देव जी खुद जब करतारपुर में सेटल लाइफ जी रहे थे तो वहाँ पर वो खेती बाड़ी भी किया करते थे, गायों को चरवाया करते थे, ठीक है। तो ऐसा नहीं था कि पूरा दिन बस राम 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 करते रहना, काम करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपस में एक दूसरे के साथ चीज़ों को शेयर कीजिए और यही शेयर करने के प्रिंसिपल से ही इन्होंने जो आगे हम चलकर देखेंगे भी एक स्कूल जो ओरिजिनेट हुआ लंगर प्रथा, ठीक है। लंगर प्रथा आप देखोगे कि अब ये सिर्फ सिखिज़्म का पार्ट नहीं रह गई है, सिखिज़्म से ये प्रथा दूसरे धर्मों ने भी अडॉप्ट कर ली। और बेसिकली अगर आप इंडिया में की बात करो तो इंडिया में आपको हिंदुइज़्म में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा कि लंगर प्रथा अब जो है जहाँ इन्होंने ये सिखिज़्म से बोरो की, ठीक है। और इन तीन चीज़ों को जो ये नाम जपो कीर्त करो और वंद चक्को जो प्रिंसिपल था गुरु नानक देव जी का, इन्होंने कहा कि ये एक रास्ता है जिससे आप लिबरेशन प्राप्त कर सकते हो, मोक्ष प्राप्त कर सकते हो, ठीक है, मोक्ष की प्राप्ति। अगर आप देखो जितने भी आप देखो अगर रिफॉर्मर्स आए और गुरु नानक देव जी से पहले अगर हम बात करें गौतम बुद्धा की और अगर हम बात करें महावीरा की जो जैनिज़्म जिन्होंने हमें दिया, तो इन दोनों पर्सनालिटीज़ ने भी मेनली इनका फोकस किस चीज़ पे था? मोक्ष के ऊपर। तो ये सारे जो लोग थे ये किस चीज़ की तरफ इंसान को डाइवर्ट करना चाहते थे? मोक्ष की तरफ। मोक्ष बेसिकली क्या है?
अगर आप गीता देखो, हिंदुइज्म में गीता उस चीज़ को हाईलाइट करती है कि इंसान का जो अल्टीमेट एम है दैट इज़ द प्राप्ति ऑफ मोक्ष, कि उसको किसी तरह से मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। अब मोक्ष होता क्या है, बेसिकली जन्म और मरण की साइकिल से मुक्ति मिल जाना, ठीक है। अब ये सारे रिलीजन क्या बोलते हैं कि जब आप मरते हो तो सिर्फ आपकी बॉडी की डेथ होती है, जो आपका बॉडी है सिर्फ वो डिस्ट्रॉय होती है, जो आपका सोल होता है दैट कीप्स ऑन रिवॉल्विंग इन द साइकिल ऑफ लाइफ एंड बर्थ। आप मर गए, आपकी बॉडी डिस्ट्रॉय होगी, आप किसी और बॉडी में चले जाओगे। मोक्ष क्या है कि आप अब ये जीवन मरण से मुक्त हो जाओगे और आप यू विल रीच द अल्टीमेट डेस्टिनेशन दैट इज द डोर ऑफ द गॉड, ठीक है। तो आपको भगवान प्राप्त हो जाएंगे, अब आप जीवन मरने की उससे मुक्त हो गए, ओके। धीरे धीरे इनके फॉलोअर्स जो वहाँ पर सेटल हुए उन्होंने भी काम करना वहाँ पर शुरू किया, कल्टीवेशन वहाँ पर करतारपुर में करना शुरू किया और कैटल रेयरिंग जो है वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर होती थी। अब जन्म साखीज, जो जन्म साखीज हैं, अब ये जन्म साखीज बेसिकली जो कंपाइल की थी वो की थी आपके जो दूसरे सिख गुरु हैं, गुरु अंगद देव जी ने, ठीक है। तो गुरु अंगद देव जी ने मेनली इन जन्म साखीज को कंपाइल किया था। तो इन जन्म साखीज के अकॉर्डिंगली कहा जाता है कि जो गुरु नानक देव जी थे वो अपनी कैटल को, अपनी गायों को चरवाने के लिए लेके जाया करते थे एक कुएं में, और वो कुआं कहाँ पे था, एक पखोके रंधावा नाम का विलेज हुआ करता था, ठीक है। ये रंजीता रंधावा नाम के एक व्यक्ति थे, उनका ये गांव था, ठीक है। वहाँ पर ये उस कुएं पर ये अपनी गायों को चरवाने के लिए लेकर जाया करते थे, और यही जहाँ पर ये कुआं था ना, ये प्रेजेंट डे आपका डेरा बाबा नानक है। और ये जो डेरा बाबा नानक है ना, ये इंडिया में है। तो अगर हम बात करें, अब ये जो करतारपुर कॉरिडोर है, ये करतारपुर कॉरिडोर इस डेरा बाबा नानक और करतारपुर को कनेक्ट करता है, यानी कि इंडिया के डेरा बाबा नानक को पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के करतारपुर के साथ कनेक्ट कौन करता है, आपका करतारपुर कॉरिडोर, ठीक है। तो डेरा बाबा नानक इज़ इन इंडिया, ये आपको याद रखना है। और दोनों के बीच में डिस्टेंस अराउंड 4.5 किलोमीटर का है। तो करतारपुर से जो गुरु नानक देव जी थे वो अपनी गायों को चरवाने के लिए डेरा बाबा नानक नाम की जगह पर लेकर जाया करते थे, ठीक है। उसके बाद जो गुरु नानक देव जी थे, इन्होंने बहुत ज़्यादा एम्फसाइज डाला सिंगिंग की इम्पोर्टेंस पे। इनका ये मानना था कि भगवान को अगर आप हासिल करना चाहते हो, अगर आप गॉड को जो है खुश करना चाहते हो, भगवान को खुश करना चाहते हो, तो मूर्ति पूजन ये नहीं है कि आप मूर्ति के आगे बैठ करके पूजा करो, आप भगवान के लिए बस आप अपने मन से भेंटे गाओ, भजन गाओ, ठीक है। आप जो है भगवान की प्रेज में जो है हिम्स गाओ, उससे भगवान खुश हो जाएगा। तो इम्पोर्टेंस इन्होंने कहा कि सिंगिंग जो है, म्यूज़िक जो है वो भगवान के साथ कनेक्ट करने में आपको हेल्प करेगा, ना कि मूर्तियाँ। उसके बाद अगर आप देखो, गुरु नानक देव जी ने एक नया इंस्टीट्यूट आप कह सकते हो, जिसको धर्मसल नाम की जगह इन्होंने बनाई। अब ये धर्मसल नाम की जगह, धर्मसल में होता क्या था, बेसिकली धर्मसल में गुरु जी और उनके जो भक्त होते, जो उनके फॉलोअर्स होते थे, वो वहाँ पर इकट्ठे हुआ करते थे और वो वहाँ पर कॉम्पोजिशंस गाया करते थे, हिम्स गाया करते थे, भजन गाया करते थे सुबह और शाम। ये एक प्रैक्टिस बना ली गई थी कि सुबह और शाम जो है गुरु जी और उनके वहाँ पर डिसिपल्स, शिष्य इकट्ठे होंगे और वो सब जो है मिल करके भगवान के भजन गाने गाया करेंगे, ठीक है। तो ये कौन से हो गए आपके धर्मसल। अब ये इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है, एक फैक्ट सीधा सीधा आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सिख रिलीजन में धर्मसल की फाउंडेशन या धर्मसल का कंसेप्ट कौन लेकर के आया, तो आप कह दोगे गुरु नानक देव जी, ठीक है। और ये डेरा बाबा नानक और करतारपुर की स्टोरी तो आपको पता ही होनी चाहिए, इससे आप करतारपुर कॉरिडोर, अगर आप मेंस पर्सपेक्टिव में कोई आपको क्वेश्चन आ जाता है तो ये सारा बैकग्राउंड आपको उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। और साथ ही साथ आपसे क्वेश्चन इसके ऊपर भी पूछा जा सकता है कि नाम जपो, कीर्त करो और वंद चक्को, ये प्रिंसिपल कौन से सिख गुरु ने दिया, ओके। अब उसके बाद ये जो धर्मसल जो नानक देव जी ने बनाया, ये उन्होंने रिलेट किया अर्थ से, ठीक है, जहाँ पर हर ह्यूमन बीइंग के पास अपॉर्चुनिटी है लिबरेशन गेन करने के लिए, ठीक है। पृथ्वी पर हर, जो भी पृथ्वी पर इंसान का जन्म हो रहा है, वो ये कहते थे कि उसके पास, हर के पास जो है मोक्ष प्राप्त करने की अपॉर्चुनिटी होती है। अब वो इंसान के ऊपर है कि वो उसको हासिल करता है या नहीं करता है। उसके अलावा कीर्तन के अलावा, यानी जो प्रेज ऑफ गॉड म्यूजिक के थ्रू, उसके अलावा नानक जो थे उन्होंने कथा का भी बहुत ज़्यादा अपने डिसिपल्स को एक्सपोज किया कि कथा वाचक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भगवान की कथाएं आप सुनिए, वो आपको काफ़ी ज़्यादा उसमें हेल्प करेंगी। उसके बाद ही इंस्टीट्यूटेड द लंगर, लंगर प्रथा मैं आपको बता चुका हूँ, कॉमन किचन का ये कंसेप्ट था। ये एक तरह से आप समझ लीजिए कि ये एक सोशल रिफॉर्म था गुरु नानक देव जी जो इंट्रोड्यूस करना चाहते थे। इट वॉज़ अ सोशल रिफॉर्म। सोशल रिफॉर्म क्यों, उस समय के भारत में, उस समय के
सब कॉन्टिनेंट में अगर आप देखो बहुत ज़्यादा कास्ट के बेसिस पे बहुत ज़्यादा डिविजन्स थी, रिलीजन के बेसिस पे बहुत ज़्यादा डिविजन्स थी, ऊंच नीच बहुत ज़्यादा थी। तो गुरु नानक देव जी ने अपने इस विलेज में, अपने इस करतारपुर में उन्होंने क्या कहा कि देखो भैया लंगर प्रथा होगी और लंगर प्रथा में सब लोग एक साथ मिल बैठ करके खाना खाएंगे, कोई ऊंचा बड़ा नहीं होगा, कोई छोटा बड़ा नहीं होगा, कोई किसी धर्म अधर्म का नहीं होगा। अगर आप आज भी देखो, अगर आप किसी गुरुद्वारा में अगर चले जाते हो या अगर आप किसी टेम्पल में चले जाते हो, तो वहाँ जब आप किसी जहाँ पर लंगर चल रहा हो वहाँ पर अगर आप घुसो तो आपको कोई ये नहीं पूछेगा कि बता भाई तेरी कास्ट क्या है या बता भाई तेरी जात क्या है, कोई नहीं आपसे कुछ भी पूछेगा। आप वहाँ पर एक कॉमन एरिया पे प्लेट्स रखी होंगी, सबको वहीं से प्लेट्स मिलेंगी, एक ही कॉमन जगह से सबको खाना सर्व होएगा और एक ही कॉमन जगह पे बैठ करके सब खाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि ब्राह्मण कहीं और खाएंगे, हिंदू कहीं और खाएंगे, मुस्लिम कहीं और खाएंगे, सिख कहीं और खाएंगे, नहीं भैया सब एक ही जगह पर खाएंगे, ठीक है। तो ये एक तरह का बहुत इंपॉर्टेंट सोशल रिफॉर्म था जो गुरु नानक देव जी उस समय में लेकर के आए। उसके अलावा गुरु नानक देव जी का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जो उन्होंने दिया वो था सर्विस बिफोर सेल्फ, ठीक है, कि दूसरों की सेवा कीजिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये आगे चल करके अगर आप देखो सिख रिलीजन की एक तरह से आइडेंटिटी बन गया, ठीक है। तो गुरु नानक देव जी ने क्या प्रमोट किया कि आप सर्विस करिए, और सर्विस करते हुए आप ये मत देखिए कि सिर्फ आप अपनी फैमिली की सर्विस करें या सिर्फ आप अपनी कास्ट के लोगों की सर्विस करें या अपने क्रीड या अपने जेंडर के लोगों की सर्विस करें, आप सब लोगों की सर्विस करिए, ठीक है, और इस तरह से आप मोक्ष को प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, तीन प्रिंसिपल उनके उन्होंने हमेशा जो है यहाँ पर पढ़ाने की कोशिश की, वर्क वर्शिप एंड शेयरिंग, भगवान की पूजा भी कीजिए साथ साथ काम भी कीजिए और दूसरों का भला भी कीजिए, दूसरों की सर्विस भी कीजिए। और इस प्रोग्राम के थ्रू वो यूनिवर्सल लिबरेशन की बात करते थे। वो ये नहीं कहते थे कि मैं सिर्फ चाहता हूँ कि मेरे परिवार के लोगों को लिबरेशन मिले या मेरे जो शिष्य हैं सिर्फ उनको लिबरेशन मिले, वो कहते थे कि इन प्रिंसिपल्स से कोई भी व्यक्ति, चाहे वो मेरा डिसिपल है, मेरा शिष्य है, या वो कहीं किसी भी धर्म का है, किसी भी जाति का है, वो इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करने से, इन तीन प्रिंसिपल्स वर्क वर्शिप और शेयरिंग के प्रिंसिपल्स को फॉलो करने से लिबरेशन हासिल कर सकता है, ठीक है। ये तीन प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद करतारपुर में इन्होंने 3 G's की इंपॉर्टेंस बताई, गुरुद्वारा, ग्रंथ और गुरु, ठीक है। गुरुद्वारा जहाँ पर आपके गुरु हैं, वहाँ पर जहाँ पर आप शांति से बैठ करके भगवान का नाम ले सकें। ग्रंथ जो आपकी टीचिंग्स हैं, जो आपके गुरु की टीचिंग्स हैं, ताकि आप उनके गो थ्रू हो सकें, आप अपने बच्चों को भी उनके गो थ्रू करा सकें। और गुरु, गुरु को बहुत हाई एस्टीम में रखा गुरु नानक देव जी ने हमेशा। उनका ये कहना था कि गुरु इज़ दैट पर्सन जो आपको सही गलत बताता है, गुरु ही वो इंसान होता है जो आपको सही दिशा दिखाता है, सही मार्ग दिखाता है और अल्टीमेटली आपका आपको गोल अचीव करने में हेल्प करता है। तो गुरु के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है गुरु नानक देव जी ने एम्फेसाइज़ किया। अब बात करते हैं करतारपुर और डेरा बाबा नानक की। पहले एक ब्रीफ स्टोरी समझ लेते हैं कि ये दोनों जगहों की रेलिवेंस कैसी हुई। एक रेलिवेंस तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि करतारपुर में 18 ईयर्स तक गुरु नानक देव जी ने उदासीस के बाद यहाँ पर अपनी जीवन व्यतीत किया, मृत्यु तक, ठीक है। तो इसीलिए करतारपुर तो इम्पॉर्टेंट होता ही होता है। डेरा बाबा नानक की एक इम्पॉर्टेंस हम ये देख चुके हैं कि गुरु नानक देव जी यहाँ पर अपनी गायों को चरवाने के लिए लेकर जाया करते थे, कैटल रेयरिंग जिसको आप बोलते हो, ठीक है। रेयरिंग विल बी नॉट विद द करेक्ट आंसर, वैसे आप रेयरिंग बोल सकते हो, ओके। तो कैटल रेयरिंग के लिए जो है गुरु नानक देव जी यहाँ पर अपनी गायों को लेकर जाया करते थे। अब दूसरा लिंक इन दोनों के बीच में क्या है वो हम एक स्टोरी समझते हैं। तो बाबा सुखदीप सिंह बेदी जी जो गुरु नानक देव जी के वंशज हैं, 17 जनरेशन डिसेंडेंट जो है वो क्लेम करते हैं कि वो गुरु नानक देव जी के हैं, तो वो बताते हैं, वो कहानी हमें सुनाते हैं कि देखो जब गुरु नानक देव जी की मृत्यु हुई तब हिंदू और मुसलमान दोनों को उनके रिमेन्स चाहिए थे क्योंकि दोनों को वो पूज्य थे। तो हुआ क्या, जन्म साखी बताती हैं हमें कि जब ये हिंदू और मुस्लिम्स ने बाबा जी का वो वाइट शीट उठाया जिनसे उनकी बॉडी जो है वो कवर्ड थी, तो उन्हें वहाँ पर बॉडी नहीं मिली, बॉडी की जगह उन्हें वहाँ पर फूल मिले, फ्लावर्स मिले, ठीक है। अब हुआ क्या, अल्टीमेटली ये हिंदूज और मुस्लिम्स ने इन फूलों को आधा आधा बांट लिया, आधे फूल हिंदू ले गए और आधे फूल मुस्लिम्स ले गए। ऑलराइट, अब जो मुस्लिम्स ने जो फूल लिए उन्होंने उस पे एक उसको दफना के, उन फूलों को ज़मीन के नीचे दफना करके एक मज़ार बना ली, और हिंदूज ने उनको एक कपड़े और एक अंदर डाल करके वहाँ पर बरी कर दिया, एक
कलश के अंदर डाल करके बरी कर दिया और वहाँ पर गुरुद्वारा बना दिया, जो आगे चल करके आपका गुरुद्वारा दरबार साहिब के नाम से फेमस हुआ, जो करतारपुर में है। ठीक है, अब इस वजह से ये प्लेस इंपॉर्टेंट हो जाती है। ऑलराइट, अब मैं आपको बताता हूँ कि डेरा बाबा नानक की दूसरी इंपॉर्टेंस क्या है। अब ये भी एक स्टोरी है कि कुछ सालों बाद क्या हुआ कि ये जो करतारपुर जो जगह थी वहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लडिंग होने शुरू हो गई, तो गुरु नानक देव जी के जो बेटे थे श्री चंद, उन्होंने क्या किया, जो जहाँ पर ये आपका दरबार साहिब है, गुरु दरबार साहिब है, वहाँ पर से उन्होंने वो उन जहाँ पर पहले वो फूलों को रख करके मिट्टी में दफनाया गया था, उन्होंने वहाँ से उसको निकाला और वो उसको पखो के रंधावा, जो आगे चल के डेरा बाबा नानक जगह बनी, वहाँ पर ले आए और वहाँ पर ला करके उन्होंने उसके ऊपर गुरुद्वारा बिल्डअप कर दिया। ठीक है, और जो कुएं पर गुरु नानक देव जी अपनी गायों को चरवाने के लिए लेकर जाया करते थे, वो कुआं अभी भी इस गुरुद्वारे के कंपाउंड में हैं। ठीक है, तो इसी वजह से डेरा बाबा नानक साहिब भी जो है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उनकी भी रेलिवेंस बहुत ज़्यादा जो है सिखिज़म में बढ़ जाती है। लेकिन करतारपुर की रेलिवेंस अभी भी कम नहीं हुई, क्योंकि करतारपुर में गुरु नानक देव जी ने अपना सारा ज्ञान करतारपुर में दिया, करतारपुर में ही उन्होंने अपने जीवन के आखिरी साल जो हैं व्यतीत किए, इसीलिए करतारपुर तो इम्पोर्टेंट है ही। अब ये बर्थ एनिवर्सरी वाली चीज़ पे बाद में आते हैं। तो अब करतारपुर साहिब पिलग्रिमेज इसी वजह से इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप ध्यान से मैप देखो तो ये जो जगह है डेरा बाबा नानक, ये है आपकी कहाँ, इंडिया में, और करतारपुर साहिब पार्टीशन के बाद कहाँ चला गया, पाकिस्तान में 1947 के बाद। तो अगर आप देखो, अब ये जो करतारपुर कॉरिडोर जो आप अक्सर न्यूज़ में देखते हो ना, वो ये वाला कॉरिडोर है। ठीक है, डेरा बाबा नानक से करतारपुर साहिब तक का, ठीक है, जहाँ पर गुरु नानक देव जी ने अपने आखिरी के 18 साल जो है स्पेंड किए। अब अगर आप देखो तो ये जो गुरुद्वारा डेरा बाबा नानक है ना, इट इज़ अबाउट 1 किलोमीटर फ्रॉम द इंडो पाकिस्तान बॉर्डर। तो अगर ये बॉर्डर है तो ये बॉर्डर से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, और आगे अगर आप देखो कुछ अराउंड तीन चार किलोमीटर की दूरी पर, बॉर्डर से पाकिस्तान की तरफ 3-4 किलोमीटर की दूरी पर है आपका करतारपुर साहिब गुरुद्वारा। तो टोटल अगर हम डिस्टेंस देखें तो टोटल डिस्टेंस इनमें कुछ ज़्यादा नहीं है, 4.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है सिर्फ। लेकिन फिर भी पार्टीशन के बाद से जो इंडिया में जो सिख्स थे वो करतारपुर साहिब, जो अपनी रिलीजियस प्लेस है सिख्स की, वहाँ पर नहीं जा पा रहे थे बिकॉज ऑफ द इंटरनेशनल बॉर्डर। और इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप्स आप सब जानती हैं, हमेशा से अच्छे तो रहे नहीं है। ठीक है, तो वो इतनी पास होने के बावजूद जो है दर्शन के लिए नहीं जा पाते थे। इनफैक्ट वो एक टेलीस्कोप के थ्रू जो है दर्शन किया करते थे करतारपुर साहिब का। और इसी वजह से ये करतारपुर कॉरिडोर की डिमांड जो है ये आज की नहीं है, ये हमेशा से डिमांड रही है कि ये करतारपुर कॉरिडोर आप बनाइए जिससे जो सिख्स हैं वो करतारपुर साहिब जा कर के दर्शन कर सकें। तो आपका जो ये करतारपुर साहिब है, ये अगर आप देखो ये नरोवल डिस्ट्रिक्ट में है पाकिस्तान की, और आपका डेरा बाबा नानक जो है गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि डेरा बाबा नानक इज़ इन विच डिस्ट्रिक्ट, तो आपको पता होना चाहिए कि गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में है। अब एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट जो है आपको याद रखनी है, ये बीच में रावी नदी है। अगर अब आपसे पूछा जाए कि करतारपुर साहिब इज़ ऑन द वेस्ट बैंक और ईस्ट बैंक ऑफ रिवर रावी, तो आप कहोगे कि जो आपका करतारपुर साहिब है, करतारपुर साहिब इज़ ऑन योर वेस्ट बैंक ऑफ रिवर रावी। ठीक है, वेस्ट बैंक ऑफ रिवर रावी वेस्ट की तरफ है, और डेरा बाबा नानक आपके ईस्ट बैंक ऑफ रिवर रावी पर है, ईस्ट तट के ऊपर है रिवर रावी के। यहाँ पर एग्जामिनर कन्फ्यूज करने की कोशिश करेगा आपको। ठीक है, तो वेस्ट और ईस्ट बैंक आपने याद रखना है कि डेरा बाबा नानक इज़ ऑन ईस्ट बैंक एंड योर करतारपुर साहिब इज़ ऑन वेस्ट बैंक ऑफ रिवर रावी। रावी नदी भी याद रखनी है, नदी के ऊपर भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि करतारपुर साहिब इज़ ऑन द वेस्ट बैंक ऑफ विच रिवर, ऑप्शन ए रावी, ऑप्शन बी सतलुज, ऑप्शन सी ब्यास, ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, रावी। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं जिनके लिए आपको तैयार बिल्कुल रहना है। चलिए, अब एक बार पहले मैं आपको ये चीज़ दिखा देता हूँ जो गुरु नानक बर्थ एनिवर्सरी है। अब गुरु नानक देव जी का जन्म हमने देखा, जो पिछली वीडियो थी हमारी उसमें हमने देखा कि अप्रैल 1469 को उनका जन्म हुआ। लेकिन विद इन द टाइम जो गुरु नानक देव जी के फॉलोअर्स थे उन्होंने उनकी जन्म तिथि को कब सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया, उनके एनलाइटनमेंट के दिन से। जब उनको एनलाइटनमेंट मिला, जो वो बेन नदी पर जब वो स्नान के लिए गए थे और 3 दिन के लिए फिर वो डिसअपियर हो गए थे, तो
और जब फिर वो रीअपियर हुए, तो उस दिन से जब वो एनलाइटेंड हो गए, उस दिन से इन्होंने इनकी बर्थ एनिवर्सरी जो है सेलिब्रेट करनी शुरू कर दी। जैसे कि एक 17th century के काफ़ी फेमस सिख स्कॉलर रहे हैं, कई बार सिख स्कॉलर्स जो फेमस सिख स्कॉलर्स हैं उनके ऊपर सवाल आ जाता है। भाई गुरदास जी जो हैं एक 17th century के काफ़ी फेमस स्कॉलर रहे हैं, उन्होंने बोला कि देखो गुरु नानक देव जी का जन्म पृथ्वी पर हुआ, पर असलियत में जब उन्हें एनलाइटनमेंट मिली तब पृथ्वी से अंधेरा गायब हो गया। द डार्कनेस वॉज डिस्पेल्ड एंड इट वॉज लाइट वेन एन एनलाइटेंड, एक एनलाइटेंड एक लर्न्ड गुरु नानक देव जी जब अपीयर हुए अर्थ पे तब अंधेरा गायब हुआ। और वो उन्हें कब मिली एनलाइटनमेंट, जब वो बेन नदी से 3 दिन के लिए डिसअपियर हुए थे। वो कंसेप्ट हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। चलिए अब गुरु नानक देव जी की कुछ इंपॉर्टेंट टीचिंग्स देखते हैं। तो सबसे पहले तो गुरु नानक देव जी ने कुछ 974 हिम्स जो हैं वो क्रिएट किए। सीधा सीधा सवाल पूछा जा सकता है PCS में फैक्चुअल कि कितने हिम्स क्रिएट किए। जपजी साहिब बेसिकली क्या था, मॉर्निंग प्रेयर ऑफ सिक्स जो सुबह को प्रेयर होती है। उसके अलावा असादीवार, बारह माह, सिद्ध गोश्त, ओंकार, ये सब जो हैं गुरु नानक देव जी ने कंपोज किए और बाद में ये इनको गुरु ग्रंथ साहिब में इनकॉर्पोरेट किया गया। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टीचिंग जो गुरु नानक देव जी की थी वो थी बिलीफ इन वन गॉड, एक भगवान में मानते थे। गुरु नानक देव जी कहते थे चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, चाहे ऊंचा हो चाहे नीचा हो, सबको एक ही भगवान ने बनाया, एक ही भगवान है सबका, एक ही ईश्वर है सबका। अगर आप ऊपर देखोगे आसमान की तरफ तो आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि ये इतना आसमान में सिर्फ हिंदुओं का भगवान है, इतना आसमान में मुस्लिम का भगवान है, इतना आसमान में सिख का भगवान है। भगवान सबके लिए एक है। और इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मोनोथिस्टिक, दैट इज बिलीव इन वन गॉड, दैट गॉड इज़ वन। ओके, उसके बाद इन्होंने दूसरा जो कंसेप्ट दिया वो था हुक्म का। अब ये हुक्म के कंसेप्ट में इन्होंने क्या बोला, जिसको इन्होंने एक फंडामेंटल प्रिंसिपल बोला लाइफ का। इन्होंने कहा, गुरु नानक देव जी ने कहा कि जो भी इस पृथ्वी पर क्रिएशन है, जो भी इस पृथ्वी पर हो रहा है, वो सब भगवान की विल से हो रहा है, भगवान के हुक्म से हो रहा है, ठीक है। और इंसान का जो अल्टीमेट ड्यूटी है वो ये है कि वो भगवान के इस हुक्म को समझे और उसके अकॉर्डिंगली काम करे। उसको रियलाइज़ हो जाना चाहिए कि भगवान का उसके जीवन में, उसकी लाइफ में क्या हुक्म है, उसके लिए क्या रोल प्ले करे, भगवान क्या चाहता है कि वो क्या रोल प्ले करे, और उसको उसी के हिसाब से काम करना चाहिए। अल्टीमेटली उसको रियलाइज़ करना चाहिए कि भगवान ने उसको क्या ऑर्डर दिया है। ओके, और नेक्स्ट आता है होमाई। होमाई क्या होता है, मैं, मेरे अंदर मैं कितनी भरी हुई है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं ही मैं हूँ। कभी कभी अपन को लगता है अपन ही भगवान है, ठीक है, इस तरह के थॉट आना दिमाग में, तो वो क्या हुआ, एक आईएमनेस है आपके अंदर, एक घमंड है आपके अंदर। और ये जो घमंड होता है ना, इसी की वजह से सफरिंग होती है। जो आपके अंदर आपका घमंड है, इसी की वजह से आप सफरिंग की तरफ चले जाते हो, कष्ट की तरफ चले जाते हो, जिसकी 5 वजहें हैं। और जो आपको 5 गलत वजहों की तरफ ले जाता है वो है काम, लस्ट, क्रोध, गुस्सा, लोभ, ग्रीड। देखो क्रोध, काम, जब आप मैं ही मैं समझते हो खुद को कि बस मैं ही मैं हूँ, तो आपके अंदर काम की भावना भी जागती है। क्रोध, अगर आप में मैं है तो ज़रा सा कुछ आपके खिलाफ हुआ तो आप में क्रोध होगा। लोभ होता है, ग्रीड होता है आपके अंदर कि मैं ही मैं रहूँ, मैं सबसे अच्छा बन के रहूँ, मैं सबसे ऊपर रहूँ, ठीक है, तो ग्रीड है, स्वार्थ है आपके अंदर। मोह हो जाता है, अटैचमेंट हो जाती है आपको, अपने रैंक से, अपने स्टेटस से आपको अटैचमेंट हो जाती है, और इन सब चीज़ों में आप प्राइड लेना शुरू करते हो, जो आपको बर्बादी की तरफ ले जाता है अल्टीमेटली। ओके, तो गुरु नानक देव जी अभी ये कहते हैं कि एक इंसान का एम क्या है, कि सबसे पहले तो वो अपने अंदर की मैं को ख़त्म करे, और फिर वो जाने कि भगवान का उसके लिए हुक्म क्या है, भगवान की मर्ज़ी क्या है, भगवान उसके लिए क्या चाहता है, ठीक है, इससे वो लिबरेशन की तरफ जा सकता है। और उसके बाद नाम जपना, नाम जपना गुरुदेव जी कहते थे कि नाम जपना बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़रूरी नहीं है कि आप मंदिर में बैठ करके नाम जपिए, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी मूर्ति के सामने बैठ करके नाम जपिए, ज़रूरी नहीं है कि ऐसी कोई एक जगह है जहाँ पर बैठ के आपको नाम जपना है। गुरु नानक देव जी कहते थे कि आप कहीं पर भी, कभी भी, किसी भी समय जो है भगवान का नाम जप सकते हो, और ये आपको लिबरेशन में हेल्प करेगा, ठीक है। उसके बाद जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, गुरु की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा जो है एम्फोसाइज़ की गुरु नानक देव जी ने, गुरु का इंस्टीट्यूशन इन्होंने बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज़ किया। इसीलिए जब उनकी डेथ होने वाली थी उससे पहले ही वो एक सक्सेसर अपना छोड़कर चले गए, ताकि उनके डिसिपल्स जो हैं उनके पास गुरु एक रहे, ठीक है। तो गुरु के इंस्टीट्यूशन को बहुत ज़्यादा इन्होंने एम्फोसाइज़ किया। इनका मानना था कि गुरु जो है एक वाइटल लिंक होता है, जो उसकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में उसको हेल्प करता है। एक गुरु एक टीचर भी होता है, गाइड भी होता है, एक इंस्ट्रक्टर भी होता है, और एक वो सीढ़ी होता है जिस पे चढ़ करके व्यक्ति जो है भगवान तक पहुंच सकता है। उसके बाद नजर गुरुजी ने कहा कि
इट इज इटर्नल्स वंस ग्रेस बाय गॉड्स ग्रेस मैन फाइनली रियलाइजेज दैट ट्रूथ एंड लिबरेट्स हिमसेल्फ. भगवान की कृपा होगी तो आप अपने जो है सच्चाई, अपना ट्रूथ और अल्टीमेटली मोक्ष को प्राप्त कर सकेंगे. सेवा, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, गुरुजी हमेशा उन्होंने स्पेशल एम्फसाइज रखा कि सर्विस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. और अल्टीमेटली सिख रिलीजन में आप देखोगे जो स्पिरिट ऑफ सर्विस है वो कहीं ना कहीं गुरु नानक देव जी की टीचिंग्स से ही आगे चल करके जो है बड़ा है. उसके बाद कास्टलेस सोसाइटी, कास्टलेस सोसाइटी हमने देखा सोशल रिफॉर्मर थे गुरु नानक देव जी, और इसी कास्टलेस सोसाइटी को प्रमोट करने के लिए उन्होंने लंगर प्रथा को भी शुरू किया. गुरु नानक देव जी का ये मानना था कि हर व्यक्ति जो है वो भगवान की क्रिएशन है, ठीक है, और जो लोग कास्ट को क्रिएट कर रहे हैं या वर्ल्डली टाइटल्स को क्रिएट कर रहे हैं वो आपके साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं. सिर्फ भगवान सबसे ऊँचा है, इंसानों में कोई ऊँचा नीचा नहीं है, लेकिन भगवान हर इंसान से ऊँचा है. इंसान सारे बराबर हैं, इंसानों में कोई कास्ट नहीं है, कोई जात नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टीचिंग थी गुरु नानक देव जी की. अब एक फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं, क्विक रिवीजन, फैक्चुअल रिवीजन है, ठीक है, फैक्चुअल रिवीजन, ताकि अगर आपसे एग्जाम में डायरेक्टली कोई सवाल पूछा जाए तो इन फैक्ट्स के ऊपर आप गलत ना हो. गुरु नानक देव जी की लाइफ से रिलेटेड, बर्थ कहाँ पर हुआ, 1469 ईयर में तलवंडी, जिसको अब ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है. फादर का नाम मेहता कल्याण दास जी, मेहता कालू के नाम से भी इनको जाना जाता है. ये सारे वैसे हम पढ़ चुके हैं, अब बस एक हम जो है यहाँ पर क्विक रिविजन कर रहे हैं. उसके बाद माता जी का नाम माता तृप्ता जी, स्पाउस क्या होता है, वाइफ, ठीक है, बीबी सुलखनी. कंपोजिशंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एनलाइटनमेंट, रिवर बेन जब 3 दिन के लिए डिसअपियर हुए थे, सिटी फाउंडेड, करतारपुर सिटी इन्होंने फाउंड की जो प्रेजेंट डे कहाँ पर है, पाकिस्तान में है. उसके बाद अगर हम देखें, इंट्रोड्यूस्ड लंगर प्रथा, करतारपुर में लंगर प्रथा इंट्रोड्यूस की मुगल एम्परर एट इस टाइम. वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, पूछा जा सकता है कि उस समय में कौन था मुगल बादशाह, बाबर और शेरशाह सूरी, इनके सक्सेसर यानी कि जो सेकंड गुरु बने सिखिज्म में वो थे लहना, जो आगे चल करके गुरु अंगद देव जी के नाम से प्रसिद्ध हुए. ज्योति जोत यानी कि जो अल्टीमेट, जिसको आप डेथ बोल सकते हो, ठीक है, सिखिज्म में इसको डेथ की जगह ज्योति जोत बोलते हैं. जैसे आपका बुद्धिज्म होता है उसमें महापरिनिर्वाणा टर्म जो है यूज की जाती है, महापरिनिर्वाणा. गौतम बुद्धा की डेथ के इंसिडेंट को क्या बोला जाता है, महापरिनिर्वाणा. तो सिखिज्म में क्या बोला जाता है, ज्योति जोत. तो ज्योति जोत 1539 एट करतारपुर ओनली, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आपसे एग्जाम में सीधा सीधा पूछे जा सकते हैं. तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा आज का लेक्चर हम यहीं पर ख़त्म करेंगे. डिस्क्रिप्शन में आपके पास लिंक्स रहेंगे, आप अगर हमारा PCS का कोर्स एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक क्लिक करके आप वहां जा सकते हैं. और इस पर्टिकुलर लेक्चर का PDF आपको मिल जाएगा, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट जा करके डाउनलोड कर सकते हैं. उसके अलावा किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं. वीडियो अच्छा लगा हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं. और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, उससे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे. किसी को कुछ और इंक्वायरी की ज़रूरत हो तो वो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर के ऊपर, या दे कैन मेल अस एट sikshit@gmail.com पर. ओके, सो आई होप आप अपने अब तबीयत का ख्याल रखेंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे. PCS को इस बार हमने पूरी तरह से क्रैक करके ही रहना है. सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, एंड बाय बाय.